सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये कैब बिल एनआरसी बिल जिसकी वजह से बहुत सारे जनता में सोशल मीडिया के द्वारा भ्रम पैदा हुआ है, असल में इन चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैब क्या है और इसके बाद जाएंगे जानेंगे कि एनआरसी क्या है, असल में ये जानकारी होना पहले ज़रूरी है। कैब, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पहले 2016 में इस गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था, जो कि लोकसभा में पारित हो गया था, पर सेशन खत्म हो जाने से राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था और इसे पुनः 2019 में भाजपा सरकार ने वापस लेके आया है। कैब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड कर रहा है, जिसमें कि जो प्रोविजन है, जो सिटीजनशिप का प्रोविजन है उसको अमेंड किया गया है और ये बताया गया है कि 6 धर्म, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, ये कम्युनिटी के लोगों को अगर वो यहाँ भारत देश में आते हैं किसी दूसरे देश से तो उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसमें एक रिलैक्सेशन और दिया गया है, जिसमें बताया गया था कि पहले आपको सिटीजनशिप को अप्लाई करने के पहले आपको 12 महीने भारत देश में रहना ज़रूरी है और 14 साल में से 11 साल आपको रहना ज़रूरी है। ये 11 साल की जो रिक्वायरमेंट है उसको 6 साल के ऊपर में लाया गया है, केवल ये 6 धर्मों के लिए। हमारा ये मानना है कि जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 बोलता है कि स्टेट, भारत सरकार, भारत देश किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म, जाति, रंग और उसके सेक्स के आधार के ऊपर में कोई किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा, पर यह बिल जो है वो धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहा है, यह फर्क है। और एनआरसी में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो बनाया जा रहा है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बनाया गया है। एनआरसी सबसे पहले 1951 सेंसस के बेसिस के ऊपर में पब्लिश किया गया था और अभी एनआरसी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि असम गवर्नमेंट असम स्टेट में लागू हुआ है और रिसेंटली हमारे गृह मंत्री ने अनाउंस किया है कि अभी ये बंगाल में लागू किया जाएगा और फिर नेशनवाइड एनआरसी लागू किया जाएगा, जिसमें कि एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट के पहले अगर आप या आपके पूर्वज अगर यहाँ रहते हैं, आपको प्रूफ करना है, और अगर आपके पास में वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इलीगल इमिग्रेंट माने जाएंगे और आपको डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ सकता है। यह एनआरसी है। एनआरसी और कैब अगर आप साथ में मिला के देखेंगे तो हमारा ये मानना है कि यह देश को एक धर्म के आधार पर बांटने का जरिया है, बांटने का तरीका है, जिसका कि हम पुरजोर रूप से विरोध करते हैं और इसीलिए हम ये कार्यक्रम कल एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के रूप में कल हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एनआरसी के बारे में कहा जा रहा है कि खास से मुस्लिमों को अलग करने के लिए ये ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है, ये तो इसके गलत बारे में क्या है, कहना चाहिए? ये गलत है। एनआरसी सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए नहीं है, एनआरसी हर उस व्यक्ति के लिए है। एक कट ऑफ डेट दी जाएगी, समझ लीजिए अगर कट ऑफ डेट अगर 1975 दी जाती है और 1975 के पहले आपको ये प्रूफ करना है, 1 अप्रैल 1975 अगर डेट दी जाती है और 1 अप्रैल 1975 के पहले चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको या वो खुद यहाँ पर रहना चाहिए या उसके पूर्वज यहाँ रहना चाहिए और उसको वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। आज अगर आप बंगाल में, अगर आप असम में देखेंगे तो जो 40 लाख लोग एनआरसी से छूटे हैं उसमें बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं जो बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे और यहाँ पर 1971 के पहले जो कट ऑफ डेट दी गई है उसके पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, पर वो आज एनआरसी से बाहर है। तो एनआरसी सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए है या कैब का विरोध सिर्फ मुस्लिम जाति को ध्यान में रख के किया जा रहा है या गलत और दुष्प्रचार किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसका असर अल्टीमेटली हर किसी पे आने वाला है। एनआरसी की कोई समय समय सीमा ऐसा फिक्स हुई है कि जैसे चल रहा है कि 1950 के पहले के डॉक्यूमेंट्स अगर जमा करते हो तो एनआरसी के तहत तुम कट लीगल? ऑफ डेट दी जाएगी, जैसा कि मैं आपको बताया कि आर्टिकल 5, अगर आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले जो 5 साल पहले से इस देश में रह रहा था उसको उस दिन सिटीजनशिप दी जाएगी। आर्टिकल 10 बोलता है कि जिसको पहले की किसी लॉ में सिटीजनशिप दी जा चुकी है, बाद के किसी अमेंडमेंट के द्वारा उसकी सिटीजनशिप कैंसल नहीं की जा सकती है। उसी तरह आर्टिकल 11 गवर्नमेंट को राइट प्रोवाइड करता है कि वो सिटीजनशिप के बिल में अमेंडमेंट कर सकती है, पर आर्टिकल 13, हमारे संविधान का आर्टिकल 13 बोलता है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती है जो कि किसी का फंडामेंटल राइट
वायलेट करे, जिसका किसी का फंडामेंटल राइट ले। आर्टिकल 13 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 वो स्पेसिफिकली बोलता है कि एनी पर्सन, वहां पर पर्सन की बात हो रही है, सिटीजन और फॉरेनर की बात नहीं हो रही है, वैसे ही किसी धर्म या व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है। कोई भी व्यक्ति इस धरती के ऊपर में, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे भारत देश में अगर शरण मांगता है, तो हम उसके धर्म, जाति, रंग, सेक्स, ये चीजें ध्यान में रखे बिना अगर वो हमारे देश के लिए सही है, तो हम उसको हमारे यहाँ पे शरण देने की, नागरिकता देने के लिए हम हमेशा बाध्य है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। मेरी आपके माध्यम से यही एक अपील है कि एनआरसी और कैब के बारे में लोग खुद पढ़ें, जानकारी लें, और बाकी लोगों से मेरी यह विनती है कि वे किसी भी तरीके का भ्रम और दुष्प्रचार ना फैलाएं, जिससे कि यहाँ पर देश में अराजकता का माहौल पैदा हो।